हेलो दोस्तों, मैं वीरेन मौर्य आपका नीड अकेडमी के ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वह प्रॉफिट एंड लॉस होने वाला है, यानी कि लाभ और हानि के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। लाभ और हानि के बारे में जानने से पहले हम लोग सबसे पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं और किस तरीके से दैनिक जीवन में हम लोग लाभ हानि की गणना कर सकते हैं उसकी बात करेंगे, और क्या होता है लाभ, क्या होता है हानि, क्या होता है लाभ प्रतिशत, क्या होता है हानि प्रतिशत, वन बाय वन हम सभी चीजों का अध्ययन आपके साथ करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज से लाभ और हानि। और लाभ और हानि स्टार्ट करने से पहले हम लोग सबसे पहले इसके बेसिक चीजों को पढ़ेंगे। बेसिक चीजों में क्या पढ़ेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम लाभ के बारे में अलग से जानेंगे और हानि के बारे में अलग से जानेंगे। लाभ क्या होता है और हानि क्या होता है, सभी का वन बाय वन हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले आप लोगों को लाभ और हानि के बारे में जानना है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए मैं आपको एक डेमो के माध्यम से कुछ चीजें समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, कुछ चीजें आपको एक डेमो के माध्यम से मैं समझाना चाह रहा हूं। मान लीजिए ये कोई शॉप है। क्या है दोस्तों, ये शॉप है। ये क्या है, शॉप है। ठीक है, ये क्या है आपकी शॉप है। मैंने एक शॉप लिया, ठीक, और मैं एक बंदा भी ले रहा हूं। ये लीजिए हमारे रामू काका। ये कौन है, रामू काका। ठीक है, ये कौन है, रामू काका। आ गए रामू काका, ये है एक रामू काका को और ले लीजिए आप। ठीक, दो रामू काका आ गए, दो लोग। ठीक है, अब दो रामू काका आ गए। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहां पे ये शॉप है, शॉप है। रामू काका क्या किए, शॉप पे गए, शॉप पर गए। रामू काका शॉप पर जाते हैं और क्या करते हैं, कुछ वस्तु खरीद करके लाते हैं। जैसे आप लोग क्या कॉपी पेन लेते हैं, रामू काका गए यहां से कुछ कॉपी और पेन लेकर के आए। क्या लेकर के आए सर, कॉपी प्लस पेन लेकर के आए। क्या लेकर के आए, कॉपी प्लस पेन लेकर के आए। अब ये ला कर क्या कर रहे हैं, इस शॉप पे ध्यान दीजिएगा, जो ये शॉप से जहां से खरीद रहे हैं, ये क्या होगा आपका होलसेलर होगा। ये क्या होगा, ये आपका, ये यहां पर क्रिएट होता है, यहां पर आकर के ये सामान को यहां से खरीद करके ये कहां पे लाएंगे, ये अपनी शॉप पर ला करके इसको क्या करेंगे दोस्तों, इसको बेचेंगे। ये क्या करेंगे, इसको बेचेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये रामू काका की शॉप है। किसकी शॉप है, ये रामू काका की शॉप है। ये बड़ी शॉप थी, रामू काका क्या है, छोटी शॉप है। रामू काका क्या किए, बड़ी शॉप से ला करके अपनी छोटी शॉप पर इस कॉपी और पेन को रख लिए। क्या रख लिया इन्होंने, ये कॉपी रखा और ये क्या रख लिया, पेन रख लिया। ठीक है, कॉपी और पेन को ला करके अपनी शॉप पर इन्होंने रख लिया। अब क्या किए, अब दूसरा, इनके घर में एक बच्चा है। क्या है, बच्चा है, वो बहुत जिद कर रहा है। क्या कर रहा है, जिद कर रहा है। पापा, मम्मी पापा से कह रहा है, पापा अगर कॉपी पेन ला के नहीं देंगे तो कल से हम विद्यालय नहीं जाएंगे। तो क्या हुआ, अब ये गए शॉप पे। ये शॉप पे कहां जाएंगे, रामू काका के पास। ये कौन है, रामू काका। कौन है ये, रामू काका। अब रामू काका की शॉप पे गए, रामू काका की शॉप पर गए और इन्होंने कहा, सर हमको जो है कॉपी पेन चाहिए। क्या चाहिए, कॉपी पेन चाहिए। हमारा बच्चा क्या कर रहा है, बहुत जिद कर रहा है। ये बच्चा है और ये जिद कर रहा था, ये बच्चा जो है जिद कर रहा था, किससे कहा, अपने मम्मी पापा से, अपने पापा से कहा। इनके पापा क्या किए, गए शॉप पे। किसकी शॉप पे, रामू काका की शॉप पे गए। रामू काका क्या थे, कॉपी और पेन पहले से खरीद करके ले आए थे अपनी दुकान पे। और ये कितने में खरीदा था, ये 100 रुपए में कॉपी और पेन को खरीद करके लाए थे। कितने रुपए में खरीद करके लाए थे, 100 रुपए में कॉपी और पेन को ये क्या किए, खरीद करके अपनी दुकान पे लाए। कहां पे लाए, ये रामू काका शॉप है। किसकी शॉप है सर, ये रामू काका की दुकान है। ये रामू काका की दुकान पर ला करके ये रख लिए। अब बच्चा जिद कर रहा है किसका, ये मुन्नी लाल है। कौन है ये, मुन्नी लाल। मुन्नी लाल का बच्चा जिद कर रहा है, पापा मुझे कॉपी पेन अगर आप नहीं खरीद के ला के देंगे तो हम विद्यालय नहीं जाएंगे। होता है ना, बचपन में सभी लोगों ने जिद की होगी, आपने भी किया, हमने भी किया, सभी ने किया होगा, अगर आप ये सामान नहीं लेंगे तो विद्यालय नहीं जाएंगे। और हर माता पिता आपका चाहता है कि बच्चा पढ़ करके बड़ा आदमी बने, इसीलिए उन्होंने क्या किया, पहली प्रायोरिटी दी कि शॉप पे गए और कॉपी पेन को खरीदा। अब रामू काका 100 रुपए में खरीद के लाए,
जब ये गए शॉप पर और ये कहने लगे सर हमको कॉपी और पेन अपने बच्चे के लिए चाहिए, और कॉपी और पेन जब बच्चे के लिए इन्होंने मांगा तो रामू काका ने कहा लीजिए सर आपके लिए है, आपके लिए मात्र यह 120 रुपए की है। कितने रुपए की है? 120 रुपए की है। 120 रुपए का कॉपी पेन है, आप ले जाइए और अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ाइए। अब मुन्नी लाल का और रामू काका का बहुत अच्छा रिलेशन था, तो मुन्नी लाल ने कोई मोलभाव नहीं किया, और मोलभाव नहीं किया 120 रुपए उनको दे करके, 120 रुपए उनको दे करके कौन लेकर के चलाया? मुन्नी लाल ला करके अपने बच्चे को क्या दे दिया? कॉपी और पेन दे दिया। अब ध्यान दीजिएगा, अब इतनी कहानी बताने के पीछे रीजन क्या था, ध्यान दीजिए। ये जो 100 रुपए में खरीदा था, कौन खरीदा था? दुकानदार ने। कौन खरीदा था? रामू काका ने। ये जो खरीदा था कहां से खरीदा था? बड़ी शॉप से, होलसेलर शॉप से, या फिर मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट से, फैक्ट्री से खरीदा गया सामान ही आपका क्या होगा? कॉस्ट प्राइस होगा, उसका लागत मूल्य हुआ। अगर मैं बात करूं रामू काका के लिए लागत मूल्य कितनी है, क्योंकि 100 रुपए उन्होंने लगा करके उस वस्तु को खरीदा है, तो यानी कि इसका क्या हुआ? लागत मूल्य हुआ। ये क्या कहलाएगा आपका? लागत मूल्य। ये क्या कहलाएगा सर आपका? लागत मूल्य। ये क्या हुआ सर? लागत मूल्य। यानी कि लागत मूल्य क्या कहलाएगा? इसी को बोलते हैं क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं सर? क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। अब बात करते हैं क्रय मूल्य लागत मूल्य। जिस वस्तु को, किसी वस्तु का वह मूल्य जिस पर वह वस्तु तैयार हुई होती है, या फिर जिसका बेस प्राइस इसका जिस पर आपने खरीदा हुआ होता है कोई दुकानदार, वही उसका क्या होगा? लागत मूल्य। इनके लिए लागत मूल्य 100 रुपए। अब क्या किया रामू काका से कौन खरीद रहा है? मुन्नी लाल खरीद रहे हैं। कितने में खरीद करके लाए सर? 120 रुपए। कितने में सर? 120 रुपए। यह क्या होगा? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कैसे? क्योंकि मूलधार तो रामू काका थे ना, रामू काका खरीद के लाए, रामू काका बेच रहे हैं, उन्होंने कितने में बेचा सर? 120 रुपए में बेचा। कितने रुपए में बेचा? 120 रुपए में। यही आपका कहलाएगा सेलिंग प्राइस, यानी विक्रय मूल्य। क्या कहलाएगा सर? यह कहलाएगा आपका विक्रय मूल्य। यह क्या कहलाएगा सर आपका? यह कहलाएगा आपका विक्रय मूल्य। क्या कहलाया सर? यह आपका विक्रय मूल्य कहलाया। यही विक्रय मूल्य है, यानी कि जिस रेट पर, जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है, वही आपका क्या होगा सर? विक्रय मूल्य होगा। यानी कि विक्रय मूल्य सर कितना हो गया? 120 रुपए। लागत मूल्य कितना हो गया सर? 100 रुपए। अब किसी भी बच्चे से आप पूछ लो जो 2-3 का क्लास में पढ़ रहा हो, उसको पता हो गया होगा सर 100 रुपए कोई चीज खरीद करके अगर मैंने 120 रुपए में बेच दी तो हमें क्या लाभ हुआ सर? 20 रुपए का लाभ हुआ। क्या लाभ हुआ सर? 20 रुपए का लाभ हुआ। यानी कि लाभ क्या हुआ सर आपका यहां पर? यहां पर लाभ हुआ सर आपका 20 रुपए। कितना हुआ सर? 20 रुपए लाभ हुआ। लाभ कितना हुआ? 100 रुपए में आपने खरीदा, का जो लाभ हुआ सर वह 20 रुपीज हो गया। कितना हो गया सर? 20 रुपीज हो गया। अब कैसे? अब ध्यान दीजिए, ये कैसे हमने लाभ की गणना कर ली, जरा हम बात करते हैं, ऊपर चलें थोड़ा। लाभ की गणना हमने कैसे कर ली? अगर यानी कि यहां से आपके सामने एक कॉन्सेप्ट निकल के आया सर, अगर हमें लाभ की गणना करनी है, अगर सर हमें लाभ की गणना करनी है तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? लाभ बराबर क्या हम यह नहीं कर सकते सर? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य नहीं कर सकते क्या सर? सर यही तो आपने किया। विक्रय मूल्य आपने 120 बेचा और खरीदा कितने में था रामू काका ने? जरा देखिएगा, रामू काका ने खरीदा 100 में था और बेचा कितने में सर? 120 रुपए में। यानी कि अगर हम विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को माइनस कर दे तो हमारे सामने क्या आ जाएगा सर? हमारे सामने आ जाएगा लाभ। क्या आ जाएगा सर? लाभ आ जाएगा। यानी कि आपके सामने एक फार्मूला निकल करके आया सर, अगर विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस कर देंगे तो सर हमारे सामने जो निकल करके आएगा वह लाभ निकल करके आएगा। क्या निकल के आया अभी सर आपके सामने? लाभ। कैसे? जरा देखिए, अब देखिए लाभ आपने निकाला सर 20 रुपए, वह कैसे आया?
आपने विक्रय मूल्य आपने बताया सर 120 रुपए में रामू काका ने बेचा और उन्होंने खरीदा कितने में था सर 100 रुपए में, तो आपके सामने लाभ निकल के आया था सर 20 रुपए, यानी कि लाभ क्या हुआ सर आपका 20 रुपए, यही तो निकला था लाभ 20 रुपए। यहां से क्या कॉन्सेप्ट निकला, लाभ बराबर होगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होगा। अब अगली बात करते हैं, अगर मान लीजिए सेम कॉन्सेप्ट रहता आपका, चलिए हम चलते हैं सेम उसी पे, अगर हम मान लीजिए कि रामू काका जो है, रामू काका सामान तो खरीद के लाए, क्या किया सामान खरीद के लाए, ठीक है रामू काका सामान तो खरीद के लाए, रामू काका क्या गए दुकान से सामान खरीद के लाए, कितने में खरीद के लाया था सर 100 रुपए में, कितने में खरीद के लाया था ये 100 रुपए में, क्या खरीद के लाया था कॉपी और पेन खरीद के लाया था सर 100 रुपए में, रामू काका ने इस सामान को खरीद के लाया। अब समस्या सर यहां पे ये आई थी, सामान तो खरीद के आ गया, अगर सामान खरीद के आ गया लेकिन रामू काका क्या हुए अनुपस्थित हो गए, दुकान पे बैठे नहीं, थोड़ी देर के लिए चले गए, किसी अन्य कार्य से व्यस्त हो गए, तो वहां पर रामू काका की जगह ये रामू काका अनुपस्थित है, अब दुकान पे नहीं बैठे, क्या हुआ रामू काका की पुत्र बैठा, रामू काका का कौन बैठा पुत्र बैठा, जिसका नाम था चुन्नीलाल, क्या नाम था सर चुन्नीलाल, क्या नाम था चुन्नीलाल, रामू काका के पुत्र का नाम था चुन्नीलाल। अब चुन्नीलाल दुकान पे बैठ गए, अब उनको रेट नहीं पता क्योंकि कल ही रामू काका खरीद के लाए थे, अब रेट नहीं पता। अब इसी टाइम पे मुन्नीलाल पहुंच गए सामान खरीदने, कौन पहुंच गया मुन्नीलाल, ये कौन है मुन्नीलाल। अब मुन्नीलाल जब सामान खरीदने पहुंच गए, अब बताइए क्या होगा, अब मुन्नीलाल सामान खरीदने पहुंच गया, कहे बच्चा ऐसा है बेटा पापा कहां, कहे पापा तो गए किसी और काम से बाहर, तो कहा अच्छा बेटा एक काम करो, मेरा बेटा बहुत जिद कर रहा है, कौन जिद कर रहा था इनका बेटा बहुत जिद कर रहा था, उसको कॉपी पेन चाहिए, जरा बेटा जल्दी से कॉपी पेन निकाल दो हम लेके जाए उसको दे दे, और स्कूल नहीं जा रहा है, तो ठीक है वो गए कॉपी पेन निकाला, बच्चा कॉपी भी निकाल दिया और पेन भी निकाल दिया, ठीक है पेन भी और कॉपी निकाल करके दे दिया, कहा बेटा पैसा कितना हुआ, कहा अंकल जी आप जो है हमें आप हमें मात्र 80 रुपए दे दीजिए, कितने रुपए दे दीजिए 80 रुपए। अब मुन्नीलाल को रेट वोट पता है क्योंकि भाई चुन्नी रामू काका से बहुत अच्छे मित्र थे, तो उन्होंने रेट वोट के बारे में कुछ जानकारी नहीं ली, तो उन्होंने कितने रुपए में लेके आ गए सर 80 रुपए में, वो उस चीज को खरीद करके लेके चले आए। आपको ये तो थोड़ी देर पहले मैं बताया ही था ना, अगर कोई मूल्य जिस पर वह दुकानदार खरीद के ला रहा है वह उसका क्या होगा सर, वह उसका जो होगा वह उसका होगा सीपी होगा, क्रय मूल्य होगा, या फिर आप कहोगे सर लागत मूल्य होगा, या इसका लागत मूल्य हुआ, लागत मूल्य सर कितना है 100 रुपए। अब बेचा कितने का सर, वह बेच दिया 80 रुपए, कितने का बेच दिया 80 रुपए का बेचा, 80 रुपए का बेच दिया, यानी कि इसका क्या हो गया सेलिंग प्राइस हो गया, सेलिंग प्राइस, या फिर आप कहोगे सर विक्रय मूल्य हो गया, क्या हो गया विक्रय मूल्य हो गया। अब विक्रय मूल्य कितना हो गया सर 80 रुपए, क्रय मूल्य कितना हो गया 100 रुपए। अब किसी बच्चे को नर्सरी के बच्चे को पकड़ लो, अच्छा बच्चा ये बताओ 100 रुपए कोई चीज खरीद करके 80 रुपए में बेची गई, बताओ लाभ हुआ कि हानि, कहेगा गुरुजी आपको ये नहीं पता हानि हुई, कैसे, अरे कोई चीज ज्यादा में खरीद के कम में बेचोगे तो क्या होगा नुकसान ही खाओगे, यानी कि उसको नुकसान हो गया, कितने रुपए का नुकसान हुआ 20 रुपए। अब बच्चे ने गलती क्यों की, गलती इसलिए की क्योंकि उसको रेट नहीं पता था। अब ये मत कहिएगा नर्सरी का बच्चा है तो सर उसको तो पता ही होना चाहिए था, पता है उसको, लेकिन उसको एक्चुअल में प्राइस नहीं पता थी। दुकानदार क्या होता है, कोई अगला दुकानदार अगर बैठता है उसको रेट वोट अगर नहीं पता है तो कम ज्यादा में करके बेच लेता, कभी कभी कस्टमर का फायदा होता है, कभी कस्टमर का नुकसान होता है। सेम सिचुएशन यहां पे मुन्नीलाल के साथ हुई, उनको 20 रुपए का क्या हुआ यहां पे प्रॉफिट हो गया। अभी 120 में खरीदा था, अभी कितने में खरीदा है 80 में खरीदा, अगर 80 में सर खरीदा है, अगर 100 में उन्होंने खरीदा था कौन राम काका ने, और उन्होंने मुन्नीलाल को 80 में बेचा, तो उनको घाटा हुआ, घाटा हुआ यानी क्या हुआ सर हानि हुई, हानि कितनी हुई सर, हानि हुई आपकी 80 रुपए, कितने की हानि हुई सर 80 रुपए की हानि हो गई। अब 80 रुपए की हानि हो गई, किसको हानि हो गई
मुन्नी लाल को, क्यों हानि हो गई? उनकी अनुपस्थिति के कारण। यानी कि आपके सामने यहां पर एक कॉन्सेप्ट निकल के आया। क्या निकल के आया सर? हानि बराबर बराबर अगर आपको निकालना है सर, अगर आपको हानि की गणना करनी है, हानि की गणना करनी है तो हानि बराबर होगा सर आपका क्रय मूल्य में से आपने किसको घटाया था? विक्रय मूल्य को घटाया था। यानी कि आप कहोगे सर हानि बराबर जो होगा क्रय मूल्य माइनस, आप क्या करोगे सर, आप लिखोगे विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य माइनस अगर विक्रय मूल्य आपने कर दिया तो आपको क्या होगा सर, हानि हो प्राप्त हो जाएगी। अगर क्रय मूल्य आपका कितना था सर, रामू काका ने कितने में खरीदा था जरा देख लीजिएगा, रामू काका ने 100 रुपए में खरीदा और बेचा कितने में चुन्नीलाल ने, यानी रामू काका के सुपुत्र जी ने उसको 80 रुपए में बेचा और 100 रुपए में खरीद करके सर, 100 रुपए में खरीद करके अगर 80 रुपए में आप बेच रहे हो तो आपको क्या होगा सर, 20 रुपए की क्या होगी, हानि होगी। हानि हो रही है सर, कितने की हो रही है, 20 रुपए का उस दुकानदार को क्या हुआ, नुकसान हो गया। यहां से क्या बात निकल करके आई सामने, जो आपको जानना था वह बात यह निकल कर आई आपके सामने, हानि बराबर सर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि बराबर सर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यह बात आप समझ गए, ठीक है। आपने क्या क्या समझा जरा हम बात कर लेते हैं। आपने यहां पर समझा सर, आपने समझा यहां पर क्रय मूल्य के बारे में, आपने क्या क्या समझा, आपने समझ लिया क्रय मूल्य। आपने समझ लिया सर क्रय मूल्य, आपने समझ लिया क्रय मूल्य, आपने समझ लिया विक्रय मूल्य, आपने समझ लिया, आपने समझ लिया लाभ, आपने समझ लिया हानि। इतनी बातें आपने समझ ली। क्रय मूल्य वो आपने कहा सर सीपी से कहेंगे इसमें, इसको सर कहेंगे एसपी, कहेंगे सेलिंग प्राइस, इसको कहेंगे सर प्रॉफिट और इसको सर कहेंगे लॉस। क्या कहेंगे सर, लॉस। ये प्रॉफिट हो गया, ये लॉस। इतनी बातें आप समझ चुके हो। अगर इतनी बातें समझ चुके हो, अभी क्या क्या समझना बाकी है हमें, हमको अभी लाभ प्रतिशत के बारे में जानना है। ध्यान दीजिएगा, लाभ और लाभ प्रतिशत दोनों अलग अलग चीजें हैं। अभी हमको हानि प्रतिशत के बारे में जानना है, हानि प्रतिशत के बारे में जानना। अभी दो चीज अभी हम लोगों ने बात नहीं कर पाए हैं, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत के बारे में भी हम समझ नहीं पाए। अब जरा बात करते हैं लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत किस तरीके से निकालेंगे। आप ध्यान दीजिए, चलते हैं जरा पीछे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। मैं क्लियर कर रहा हूं सब, लाभ प्रतिशत। अब ध्यान दीजिएगा, अभी रामू काका 100 रुपए की चीज खरीद करके जब 120 रुपए में बेच रहे थे तो उनको क्या हो रहा था, लाभ हो रहा था। यानी कि अगर ध्यान दीजिएगा यहां पर क्या कॉन्सेप्ट निकल, अगर ध्यान दीजिएगा, अगर कॉस्ट प्राइस इज लेस देन सेलिंग प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम है तो क्या होगा सर, प्रॉफिट होगा। क्या होगा, प्रॉफिट होगा। दूसरी बात क्या निकल के आई, अगर सेलिंग प्राइस इज लेस देन सीपी, यानी कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम है तो क्या होगा सर, लॉस होगा। ठीक है, क्या होगा सर, लॉस होगा। बात समझ में आया, अगर क्रय मूल्य सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य से कम है तो हमें क्या होगा सर, प्रॉफिट होगा। अगर विक्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस से कम है तो हमें क्या होगा सर, हानि होगी। क्या होगा सर, हानि होगी। ये बात आप समझ गए। अब आगे बात करते हैं, आगे बात ये करते हैं सर प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ प्रतिशत क्या होता है। अब लाभ प्रतिशत की अगर बात करनी है सर ना, तो आप ध्यान दो, आपको जब मैं परसेंटेज पढ़ाया था तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर परसेंटेज किसी भी संख्या अगर परसेंटेज निकालना है
तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे कि 100 से गुणा कर दोगे। क्या करोगे सर, 100 से गुणा कर दोगे, ठीक है। परसेंटेज में निकालना किसी चीज को, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको परसेंटेज में निकल करके सामने आ जाएगा आपका मान, ठीक है। इसी तरीके से लाभ प्रतिशत गणना करनी है। बच्चा लाभ और हानि की, लाभ और हानि की गणना हम क्रय मूल्य पर करते हैं टिल एंड अंटिल, जब तक यह ना कहे कि लाभ और हानि की गणना आप विक्रय मूल्य पर करो। अगर विक्रय मूल्य पर गणना करने की बात करता है तब आप लाभ और हानि में की गणना विक्रय मूल्य पर करोगे, नहीं तो बाय डिफॉल्ट लाभ और हानि की गणना क्रय मूल्य पर सदैव की जाती है, ठीक है। वही सेम एग्जांपल लेते हैं रामू काका वाला। रामू काका ने 100 रुपए में कोई चीज खरीदी थी ना, और बेचा कितने में था सर, 120 रुपए में। कितने में बेचा था सर, 120 रुपए में। ये सीपी था उनका और ये एसपी था। पहले लाभ की बात कर रहा हूं, लाभ प्रतिशत की। लाभ कब हुआ था, जब 100 रुपए में खरीद के 120 में बेचा था तभी लाभ हुआ था। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं, यानी कि अगर ओवरऑल देखें तो सर 20 रुपए का क्या हुआ सर, लाभ हुआ था, प्रॉफिट हुआ था। 20 रुपए का क्या हुआ था सर, प्रॉफिट हुआ था। तो हमने आपको कहा कि लाभ और हानि की गणना किस पर करनी है, आपको क्रय मूल्य पर करनी है। क्रय मूल्य पर कैसे करोगे बच्चा, जो बेस होता है वह आप रखोगे क्रय मूल्य। क्या रखोगे, बेस में रखोगे आप क्रय मूल्य, और बेस में क्या रखोगे आप, फार्मूला भी साथ में बनाते चले, बेस में आप रखोगे क्रय मूल्य, बेस में क्या रखोगे आप क्रय मूल्य, ठीक है। बेस में आप क्या रखोगे, क्रय मूल्य। बेस में आपने रखा है क्रय मूल्य। परसेंटेज निकालना है यानी 100 से आप क्या करोगे सर, गुणा कर दोगे। परसेंटेज निकालना है यानी आप क्या करोगे, 100 से गुणा कर दोगे। ये 100 रुपए कैसे रखा मैंने, ये 100 रुपए है, 100 रुपए कैसे रखा है, क्योंकि रामू काका का क्रय मूल्य जो कॉपी पेन खरीदा था कितने खरीदा था, 100 रुपए। अब ध्यान दीजिए, अब उनको लाभ कितना हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट सर हो रहा है आपके सामने दिख रहा है, प्रॉफिट हो रहा है सर 20 रुपए। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 20 रुपए। अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो आपका निकल करके सामने आ गया, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होगा कि प्रॉफिट बटे क्रय मूल्य, प्रॉफिट बटे क्रय मूल्य गुणे 100। प्रॉफिट बटे क्रय मूल्य गुणते 100 आपका क्या होगा, प्रॉफिट परसेंटेज होगा। प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या लिखा आपने, प्रॉफिट बटे क्रय मूल्य गुणे 100। यही आपका फार्मूला निकल करके आया सर, क्या फार्मूला निकल करके आया, प्रॉफिट बटे क्रय मूल्य इनटू 100। यही आपका फार्मूला निकल के आया, किसका, प्रॉफिट परसेंटेज का, लाभ प्रतिशत का फार्मूला निकल करके आया। ये फार्मूला आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है, इसका उपयोग होता रहता है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब प्रॉफिट परसेंटेज सीख लिया, क्रय मूल्य सीख लिया, विक्रय मूल्य सीख लिया, लाभ सीख लिया, हानि सीख लिया, अब बचा क्या सर, अब बचा हुआ है सर हानि प्रतिशत। क्या बचा सर, हानि प्रतिशत के बारे में। चलिए हानि प्रतिशत के बारे में सीखते हैं, हानि प्रतिशत क्या है, चलिए उसकी बात करते हैं। हानि प्रतिशत सर जो है ना, हानि प्रतिशत जो है, हानि प्रतिशत कुछ नहीं है, जो आपने जिस तरीके से लाभ प्रतिशत की गणना की उसी तरीके से आप हानि प्रतिशत की भी गणना करोगे। हानि प्रतिशत क्या होगा सर, आप बताओ, रामू काका जब नहीं थे, उनकी क्रय मूल्य जो था 100 रुपए था, 100 रुपए ही था क्रय मूल्य, क्रय मूल्य 100 रुपए था, क्रय मूल्य 100 रुपए था, और उन्होंने बेटे बच्चे ने यानी कि चुन्नी लाल ने कितने में बेच दिया था, 80 रुपए में बेच दिया था। 100 रुपए कर खरीद करके कितने में बेच दिया, 80 रुपए में बेच दिया। और मैंने आपको बताया था हानि कब होती है, हानि तब होती है जब आपका एसपी इज लेस देन सीपी होगा, तब आपका क्या होगा सर, लॉस होगा या हानि होगी, तब आपका क्या होगा सर, लॉस होगा या हानि होगी। यहां पे क्रय मूल्य आपका ज्यादा है, विक्रय मूल्य कम है, यानी कि इस स्थिति में आपका क्या हो रहा है सर, हानि हो रही है। अगर इस स्थिति में आपकी हानि हो रही है, इसका मतलब कि आपको हानि प्रतिशत यहां पर ज्ञात करना है। तो हानि प्रतिशत कैसे ज्ञात करेंगे सर, आप लॉस परसेंटेज अगर आपको ज्ञात करना है, तो मैंने आपको क्या बताया, लॉस या प्रॉफिट की गणना हम क्रय मूल्य पर करते हैं, यानी कि बेस किसका होगा, क्रय मूल्य का होगा। लॉस परसेंट बराबर सीपी, परसेंटेज निकालना है गुणे 100। अब यहां पे क्या लिखोगे आप, लॉस परसेंटेज निकाल रहे हो, प्रॉफिट परसेंटेज निकाला था आपने, प्रॉफिट लिखा था, लॉस परसेंटेज आप निकाल रहे हो, तो यहां पर सर लिखोगे आप लॉस, क्या लिखोगे आप, लॉस लिखोगे।
लॉस परसेंटेज बराबर लॉस बटे सीपी, लॉस बटे सीपी, ये आपका मान आया। अब ध्यान दीजिए, यहां पर इस इनके लेन देन में, इस लेन देन में इनको कितने रुपए की हानि हो रही थी सर? 20 रुपए की हानि हो रही है। अगर सर इनके इस लेन देन में 20 रुपए की हानि हो रही है, इस लेन देन में 20 रुपए की हानि हो रही है, इस लेन देन अगर 20 रुपए की हानि हो रही है तो यानी लॉस बराबर लॉस बटे सर सीपी इनका कितना था? सर सीपी इनका जो था वह 100 रुपीज था। कितना था सर? 100 रुपीज इनका सीपी था और 20 रुपीज की हानि हो रही थी। और बताओ परसेंटेज निकालना था, यानी कि मल्टीप्लाइड बाई 100 करोगे कि नहीं करोगे आप? अगर मल्टीप्लाइड 100 किया तो 100 से 100 क्या हुआ? कैंसिल आउट हो गया। अगर 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया तो सर आपके पास क्या आया? 20 परसेंटेज की क्या हो गई सर? लॉस हो गया, यानी कि हानि हो गई। यहां से आपके सामने जो चीज निकल के आई है, जो आपको ध्यान रखनी है, वो ध्यान ये रखना है सर कि जो हमारा लॉस परसेंटेज का फार्मूला यानी हानि प्रतिशत का फार्मूला आ रहा है, उस चीज को हमें अवॉइड करना है, बाकी चीजों से हमें मतलब नहीं। और लॉस परसेंटेज का जो फार्मूला आ रहा है वह लॉस परसेंटेज का फार्मूला लॉस बटे सीपी इंटू 100 आ रहा है, लॉस बटे सीपी इंटू 100 आ रहा है, यह हमारा फार्मूला आ रहा है। चले आगे सर, चलिए आगे चलते हैं। अगला चीज, इतनी छोटी छोटी बातें थी जो चीजें हमको जाननी थी, अब आपने क्या क्या जान लिया है बात कर लेते हैं। पहले आपने बात कर लिया है सर, अभी तक आपने टोटल अभी तक बात किया है सीपी के बारे में, एसपी के बारे में, प्रॉफिट के बारे में, ठीक है, लॉस के बारे में, ठीक है, अब प्रॉफिट परसेंटेज के बारे में और लॉस परसेंटेज के बारे में, इतनी बातें आपने कर रखी हैं, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज के बारे में, लॉस परसेंटेज के बारे में, इतनी बातें आपने कर रखी हैं। इतना ही चीज का आपको इस चैप्टर में उपयोग होना है। अगर आप बहुत हाई लेवल का एग्जाम जाएंगे तो भी इसी चीजें से वो सब चीजें निकल जाती हैं जो चीजें और जरूरत होती है, लेकिन अभी हमको हाल ही में इतनी चीजें की आवश्यकता थी, और इतनी चीजों की आवश्यकता थी तो एक चीज और बची हुई है, क्योंकि आप फ्रैक्शन में पढ़ते हुए आए हो, कौन सा लाभ और हानि, सॉरी परसेंटेज आपने फ्रैक्शन मेथड से पढ़ा, तो यहां भी फ्रैक्शन मेथड ही आएगा। फ्रैक्शन मेथड किस तरीके से उपयोग होगा, चलिए बात करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, और फ्रैक्शन मेथड क्या होता है? जैसे मैं कहूं सर 20% का हमें लाभ हो रहा है, क्या हो रहा है सर? प्रॉफिट हो रहा है। 20% का अगर हम प्रॉफिट की बात करें, अगर मैं कह रहा हूं सर 20% का प्रॉफिट हो रहा है, अगर 20% का प्रॉफिट हो रहा है अगर मैं बात करूं सर प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है? प्रॉफिट। तो इसका मतलब क्या हुआ? पहले आप क्या कहोगे, 20% को भिन्न में कन्वर्ट करोगे। किसमें कन्वर्ट करोगे? भिन्न में। और भिन्न में जैसे आपने कन्वर्ट किया, 20% प्रतिशत चिन्ह को हटाने के लिए 100 से डिवाइड किया, 100 से डिवाइड किया तो आपके सामने सर निकल करके आया 1/5। क्या निकल के आया सर? 1/5 निकल के आया। अगर 1/5 निकल के आया, यह क्या चीज प्रदर्शित करता है आप ध्यान दीजिएगा। ये 5 जो प्रदर्शित करेगा, यानी कि जो हर में प्रदर्शित करेगा, जो हर में प्रदर्शित करेगा सर, ये जो होगा आपका सीपी को बताएगा। क्या बताएगा? सीपी को बताएगा। किसको बताएगा सर? सीपी को बताएगा। और जो ये अंश में बात कर रहा है, ये क्या बताएगा सर? आपके प्रॉफिट को बताएगा। 20% प्रॉफिट था, उसको आपने भिन्न में कन्वर्ट किया, जो हर को बता रहा है सर वह सदैव सीपी को बताएगा, जो अंश में है सर वह सदैव किसको बताएगा? प्रॉफिट को बताएगा। अच्छा ये बताओ दोस्त, अगर आपको सीपी पता चल गया है, प्रॉफिट पता चल जाए, तो आप ये बताओ कि सेलिंग प्राइस ज्ञात कर सकते हो कि नहीं? कर सकते हैं सर, क्यों नहीं कर सकते? कैसे? देखो, प्रॉफिट बराबर बताया था मैंने एसपी माइनस सीपी। क्या बताया था? एसपी माइनस सीपी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। जैसे आप करोगे, आपका क्या निकल के आएगा सर? प्रॉफिट निकल के आएगा। अब ये बताओ, अगर आपको प्रॉफिट पता है, सीपी पता है, तो एसपी नहीं याद कर सकते सर? एसपी बराबर आप लिख सकते हो सर प्रॉफिट, सीपी को इधर लाओ आप, क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, प्लस सीपी। प्रॉफिट प्लस क्या हो जाएगा सर? सीपी हो जाएगा। एसपी बराबर हुआ प्रॉफिट प्लस सीपी। अगर एसपी बराबर आपका सर प्रॉफिट प्लस सीपी आ रहा, यानी का आपका जो आंसर आएगा वह एसपी क्या होगा? प्रॉफिट 1 हो रहा है, सीपी 5 हो रहा है, तो आपके सामने कितना आ गया सर? एसपी, एसपी सर आ गया 6 रुपीज। कितना आ गया?
6 रुपए। एसपी सर आपके सामने आ गया 6 रुपीज, कितना है सर 6 रुपीज आपका एसपी आ गया, एसपी हमारे पास 6 रुपए आ गए। अब आगे बात करते हैं, आगे क्या बात करते हैं ध्यान दीजिएगा। यहां से आपने कहा कि सर अगर मुझे एसपी के टर्म में लिखना है तो हम ये तरीके से लिख सकते हैं, हर में अंश को जोड़ दिया, क्या जोड़ा सर अंश, हर में अंश को जोड़ दिया, हर में जैसे ही अंश को जोड़ा यहां पे क्या आ गया सर 6 आ गया और अंश में क्या रहेगा वही अंक। यानी कि आपने क्या किया 6 को कैसे लिखा, हर में अंश को जोड़ करके अंश में लिख करके बटे हर जो था उसे रख दिया, तो यही तो आया 6/5, इसी का मान तो 6/5 आया। अब यहां पे क्या बताएगा, अगर हर में अंश को जोड़ रहे हो तो यहां पे ये सीपी हो गया और ये क्या हो गया सर एसपी हो गया, ये क्या हो गया एसपी हो गया, समझ में आया। ये हमारा अजम्पशन है, ये हम मान रहे हैं कि अगर ये सीपी होगा तो यह एसपी होगा। और दूसरे शब्दों में अगर बात करें, अगर आपको 20% का प्रॉफिट हो रहा है सर, यानी कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, 100% की वस्तु पे अगर 20% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि उस वस्तु को अब आपको कितने रुपए में बेचा होगा 120% पर बेचा होगा, यानी कि 120% पर आपने उस वस्तु को बेचा होगा। 100% बराबर क्या होगा सर 1, ठीक है 100% और इसके बीच रेशियो अगर निकालना चाहोगे तो आप क्या होगा सर, इसका मतलब ये हुआ सर कि आपका जो मान आया ध्यान दीजिएगा 20 × 5 = 100 और 20 × 120, ये आपका सीपी था, ये आपका क्या था एसपी था। यहां से भी तो वही चीज आ रहा है सीपी और एसपी 5 और 6, आपने 5 और 6 ही तो निकाला सीपी और एसपी। किसी भी तरीके से कि ये बहुत तरीके हैं करने के, सैकड़ों तरीके हैं, आपको बेसिक भी बताऊंगा अभी, ये तो अभी मैं फ्रैक्शन मेथड बता रहा हूं, बेसिक भी बात करेंगे किस तरीके से होता है, ठीक है सर। चलिए तो ये बातें हैं, अगर फ्रैक्शन में करना तो हम इस तरीके से करेंगे। अगर यहीं पे हानि की बात की जाती है, हानि के बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम। अगर हानि परसेंटेज की बात की जाती है, अगर लॉस परसेंटेज की भी बात अगर की जाती है तो क्या होता ध्यान दीजिएगा। अगर मैं कहता सर आपसे 20% का लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है सर 20% का लॉस हो रहा है, यानी कि इसका मतलब हुआ सर 1/5। अब ध्यान दीजिए ये क्या बताएगा सर सीपी, ये क्या बताएगा सर लॉस। अभी थोड़ी देर पहले प्रॉफिट हो रहा था, प्रॉफिट को बता रहा था अंश, हर सीपी को सदैव बताएगा, ये मैंने आपको बोला भी है हर सीपी को सदैव बता रहा है, वो बता भी रहा है। आपका लॉस कितना हो गया सर 1 का हो गया, अगर 1 का लॉस हुआ अब बताओ आपको मैंने लॉस बराबर क्या बताया था, मैंने कहा था सर सीपी माइनस एसपी कर दीजिए, आप सीपी माइनस एसपी कर दीजिए, यही तो बताया था सीपी माइनस एसपी कर दीजिए आपका लॉस आ जाएगा। तो लॉस आपका जो आया सर वो कितना आ गया, लॉस बराबर सर आपका आ गया, सॉरी आपका लॉस पता है, लॉस पता है सर ना आपको, अगर लॉस पता है तो लॉस को आप रख लो, लॉस का मान सर कितना है 1 और सीपी का मान कितना है 5। अब हमको एसपी अगर निकालना तो सर क्या होगा, एसपी बराबर सर हो जाएगा 5 − 1 = 4, सर एसपी बराबर कितना हो गया 4। आपको ये करने की जरूरत नहीं थी, इतना फार्मूला नहीं लगाना, आप डायरेक्ट कैसे कर सकते थे देखो, डायरेक्ट आपको करना क्या था, अगर लॉस की बात करे तो यानी जगह प्रॉफिट की बात कर रहा था, हर में अंश को जोड़ करके अंश में लिख करके हर वाले मान को ऐसे लिख देते थे, लॉस यानी कि हान यानी कि कमी, कमी हो रही तो घटाएंगे, घटाने की स्थिति में क्या करेंगे आप जो सीपी है ना उसमें से लॉस को घटा दो, यानी कि 5 − 1/5 कर दो। अब यहां से सर क्या आ गया आपका 4/5 आ गया, ये 4 क्या बताएगा आपका सेलिंग प्राइस और ये 5 क्या बताएगा सर आपका सीपी बताएगा, बात समझ में आई, 4 आपको क्या बताएगा एसपी बताएगा और 5 क्या बताएगा सर सीपी बताएगा। ये बातें कैसे आपको एग्जाम में अप्लाई करना है उस चीजों को अब हम लोग 1 by 1 सीखने चल रहे हैं, आपको पहले वहां पर बेसिक चीजों से बताऊंगा फिर 1 by 1 मैं फ्रैक्शन मेथड से ट्रिक से बताऊंगा, 4 से 5 ट्रिकें आती हैं, जरूरत पड़ेगी 1, 2, 3 ट्रिकें भी बताऊंगा, लेकिन आपके आवश्यकता के अनुसार इतनी ही बताऊंगा जिससे आप उपयोग कर सको, जिससे क्वेश्चन को आसानी से इजीली सॉल्व कर सको। जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे गणितज्ञ ही बनना है, ठीक है, इतनी चीजें जानो जिससे आपका एग्जाम क्वालिफाई हो सके, ना कि पीएचडी करने बैठ जाओ, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब 1 by 1 क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है। चलिए पहले हम सबसे पहले आप स्क्रीन पर क्वेश्चंस को ला रहे हैं, चलिए पहला बेसिक से एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम जीरो लेवल से क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे,
ठीक है, एकदम जीरो लेवल से मैं क्वेश्चंस को स्टार्ट करूंगा आपके सामने। अब ध्यान दीजिएगा, एकदम रामू काका वाला एग्जांपल अपने दिमाग में रख लीजिए, किसे के लाभ और हानि की गणना हुई थी। अब उसी तरीके से हमारे आपके सामने वन बाय वन प्रश्न को ला रहे हैं, ठीक है, कोई भी टेंशन नहीं लेना है, वन बाय वन सभी चीजों को सीखना है, करना है, एकदम बेसिक क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। मुझे 70 रुपए पर 70 पैसे लाभ प्राप्त होते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो मेरा लाभ प्रतिशत क्या होगा, मेरा लाभ प्रतिशत क्या होगा ये बताना आपको। ध्यान दीजिएगा, 70 रुपए उसका क्या है सर, कॉस्ट प्राइस है, क्योंकि 70 रुपए उसने खर्चा किए, फिर उसको लाभ कितना हुआ सर 70 पैसे का। अगर सर 70 रुपए है, उसका सीपी सर कितना हुआ सर, सीपी जो हुआ ना, वह सीपी जो हुआ सर 70 रुपए हुआ। अच्छा सर, 70 रुपए अगर सीपी है, इसको अगर हम पैसे में कन्वर्ट करें, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे, यानी कि 70 गुणे हम क्या लिख सकते हैं सर, 100 लिख सकते हैं। और इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं सर, यह लिख सकते हैं कि नहीं, 7000 लिख सकते हैं कि नहीं, 7000 पैसे उसने क्या किए थे सर, खर्च किए थे। 7000 पैसे में उसने क्या किया सर, खर्च किया। 7000 पैसे अगर उसने खर्च किए, तो उसका सेलिंग प्राइस सर कितना था, उसका सेलिंग प्राइस जो था सर वह 70 पैसे है, कितना है सर 70 पैसे उसका सेलिंग प्राइस है, उसका सेलिंग प्राइस सर कितना है, सॉरी उसका लाभ परसेंटेज कितना है, सॉरी लाभ प्राप्त किया है, तो उसका लाभ कितना होगा सर, लाभ जो होगा सर उसका 70 रुपए होगा, प्रॉफिट कितना होगा 70 पैसे होगा, प्रॉफिट सर उसका कितना है 70 पैसे है, और सेलिंग प्राइस कितना है 7000 पैसे है। आप बताओ लाभ प्रतिशत की अगर गणना करनी है किस तरीके से करते हो आप, सेलिंग प्राइस को आप हर में रखते हो, और आप क्या करोगे अंश में क्या रखोगे, आप अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो अंश आप प्रॉफिट को रखोगे, हर में क्या रखोगे आप प्रॉफिट सीपी को रखोगे, सीपी कितना था सर 7000 रुपए सीपी है, तो हर में आपने कितना रखा 7000 रुपए, और अंश में क्या रखोगे जो आपको प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट सर कितना हुआ 70 पैसे प्रॉफिट हुए हैं, किस पे 7000 पैसे पे 70 पैसे का प्रॉफिट हो रहा है, मल्टीप्लाइड बाई सर कितना करोगे आप 100, 20 से 20 कैंसिल आउट, 10 से 10 कैंसिल आउट, ठीक है, कितना है सर ध्यान दीजिएगा 7/7 कितना है सर 1%, कितना है सर 1% का क्या हो रहा है सर उसे प्रॉफिट हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है सर 1%, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है सर, आपका ऑप्शन नंबर जो सही है सर वह ए ऑप्शन आपका सही होगा, और ए ऑप्शन आपका क्या है 70 रुपए में 70 पैसे का क्या हो रहा था प्रॉफिट हो रहा था, 70 रुपए को अगर आप सबसे पहले क्या करोगे आप पैसे में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि जो यूनिट जो इकाई दी हुई होती है उसी इकाई में हमको निकाल सकते हैं, तब हम उसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर कि एक वस्तु के क्रय विक्रय के मूल्य का अनुपात सर 11:10 है, तो विक्रेता को कितने प्रतिशत हानि प्राप्त होगी। अब ध्यान दीजिएगा, आपके सामने दो चीजें आई, क्या आया क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, सीपी और अनुपात किसका दिया हो सर विक्रय मूल्य का, यानी कि एसपी का, कितना दिया हो सर 11/10 दिया। आपको इसको भिन्न में कन्वर्ट करना है, तो आप लिखोगे सर सीपी अपॉन एसपी बराबर 11/10, और मैंने आपको यह बताया है रेशियो प्रोपोर्शन में, जिसके सामने जो वैल्यू होगी वह उस मान को प्रदर्शित करेगा, यानी कि सीपी बराबर 11 हो गया और एसपी बराबर सर कितना हो गया 10 हो गया, सीपी बराबर 11 हो गया, एसपी बराबर सर कितना हो गया 10 हो गया, बात समझ में आई, सीपी बराबर 11 एसपी बराबर कितना 10। अगर आपको मैं कहूं सर इसमें लाभ हुआ है कि हानि हुई है, आप बताओ कि यहां पे देखो जरा सीपी इज ग्रेटर देन एसपी,
एसपी इज लेस देन सीपी है, और जब एसपी जो होगा सीपी से छोटा होगा तो क्या होता है सर, लाभ होता है कि हानि होता है? सर आपने यही तो बताया था कि अगर एसपी सीपी से छोटा है तो सर क्या होगा, हमें लॉस होगा, यानी यहां पर सर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब लॉस हो रहा है कितने परसेंट लॉस हो रहे हैं यही तो क्या करना, चलो देखते हैं। लॉस बराबर सर मैंने क्या बताया था आपको, सीपी माइनस एसपी। जरा बात करो, आपने सीपी 11 माना सर और एसपी कितना माना है 10, 11 माइनस 10 किया, कितना लॉस हुआ सर, एक का लॉस हो गया। एक का लॉस हुआ तो हमको निकालना क्या सर, हमको लॉस परसेंटेज निकालना है सर। लॉस परसेंटेज बराबर आप बताओ क्या होता है, लॉस बटे सीपी कितना है सर 10, सीपी कितना सर सॉरी 11, कितना सर 11, सीपी आपका सर 11 था। अगर सीपी आपका 11 है तो आप यहां पर 11 लिखोगे, गुणे आप क्या करोगे 100, गुणे आपने कितना कर दिया 100, गुणते आपने 100 किया, अब हल कर लो 100 बटे 11 क्या करोगे आप 100 बटे 11 तो 100 बटे 11 तो 100 बटे 11 कितना हुआ सर 11 99, 9 सही 1/11%, 9 सही 1/11% आपका क्या है सर आंसर आ गया, ठीक है 9 सही 1/11% आपका आंसर है। जरा देखिए कि आपका हानि प्रतिशत ये है कि नहीं आंसर में कहीं, 9 सही 1/11% सर आपका जो है यहां पर आ रहा है बी ऑप्शन में, और बी ऑप्शन क्या होगा सर आपका करेक्ट होगा, बी ऑप्शन क्या होगा सर आपका करेक्ट होगा, ठीक है चलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लाते हैं हम, ठीक है चलिए चलिए। एक रेडियो का क्या कह रहा है सर क्रय मूल्य, क्या कह रहा है क्रय मूल्य, ध्यान दीजिएगा और बड़ा कर दे रहे हैं आपके लिए, थोड़ा विजिबल अच्छा रहे, विजिबल अगर नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं पढ़ने का, दिखना अच्छा चाहिए, समझना अच्छा चाहिए, चीजें समझ में आसानी से आनी चाहिए, ये आपके लिए वीडियो है, अगर आपको ही नहीं समझ में आया तो क्या मतलब पढ़ने का, ठीक है चलिए बात करते हैं। क्या दिखा हुआ सर, एक रेडियो का क्रय मूल्य 420 रुपए है सर, सीप दिया हुआ है आपको, कितना दिया सर 420 रुपीस दिया हुआ है, कितना दिया सर 420 रुपीस, सीपी आपको मिल गया सर 420 रुपीस, इसे 10% के लाभ पर बेचने पर विक्रेता को कितने रुपए प्राप्त होंगे। देखिए आप तरीका मैं कई बता दूं, ठीक है कई तरीके जान लो आप, यहां पे मैं 2-3 तरीके बताने वाला हूं आपको, ठीक है। अब क्या हुआ, परसेंटेज आना चालू हुआ, परसेंटेज कहीं भी आएगा तो आपके पास 3 से 4 तरीके, 3-4 ऑप्शन होंगे जो आपके काम आएंगे। चलिए 2 तरीका मैं अभी बताता हूं आपको। देखिए सर 420 रुपए सीपी है, आपको मैंने कहा था सर अगर परसेंटेज दिख जाए तो उसको सबसे पहले भिन्न में कन्वर्ट करो, भिन्न में कन्वर्ट किया तो 1/10 आया सर, कितना 1/10, और 1/10 आया इसका मतलब क्या हुआ, उसको क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, और लाभ होगा तो क्या करोगे आप, हर में अंश को जोड़ करके अंश में लिखकर के बटे हर कर दोगे, ये आपका क्या बताएगा, ये आपका प्रॉफिट बताएगा, ये क्या बताएगा आपका सीपी, क्या बताएगा सर सीपी, यानी कि अगर आपको प्रॉफिट केटा में लिखना है तो 11/10 ये क्या बताएगा सर आपका सीपी बता सॉरी एसपी बता देगा, और ये क्या बता रहा है सर आपका सीपी बता ही रहा था, 10 होता सीपी तो बता ही रहा था, अंश क्या हुआ सर एसपी बता दिया। अब आपको निकालना था सर विक्रेता, बेचने पर विक्रेता को कितने रुपए प्राप्त होंगे, लाभ यानी सेलिंग प्राइस आपको निकालना है, इसका मतलब वह आपसे सेलिंग प्राइस के बारे में पूछ रहा है, सेलिंग प्राइस के बारे में पूछ रहा है, तो आपने यहां पर 10 बराबर सीपी माना है, और 10 बराबर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ सर कितना 420 दिया हुआ, कितना दिया सर 420 दिया हुआ है, 10 बराबर आपको सर दिया हुआ है 420, एक मतलब सर कितना हुआ 42, एक मतलब सर कितना हुआ 42। अब बताओ 1 बराबर 42 हुआ, आपको क्या निकालना है, आपको यहां से सर निकालना था सीपी दिया हुआ, एसपी निकालना, एसपी कितना आपने सर माना है 11 बराबर आप निकाल लो क्या आएगा सर, 11 बराबर आपने निकाला सर, 11 बराबर आप निकाल रहे हो, 11 बराबर आप निकालोगे 42 गुणे
ग्यारह, क्या करोगे आप 42 गुणे 11 करोगे, जरा करो कितना रहा 11 गुना 22, 11 चौक 44 दो 46, कितना होंगे सर 462 रुपए में वो क्या करेगा बेचेगा, कितने में बेचेगा 462 में बेचेगा। पहली चीज बात समझ में 462 में वह बेच रहा है। चलिए यहां से अब आप करिए इस चीज को क्लियर, ये था फ्रैक्शन मेथड, ये कौन सा मेथड था, इसे कहते हैं सर फ्रैक्शन मेथड, क्या कहते हैं सर फ्रैक्शन मेथड, ये फ्रैक्शन मेथड है। अब हम बात करते हैं दूसरे मेथड की, अब दूसरा मेथड क्या होगा चलिए देखते हैं, दूसरा मेथड क्या हो सकता है, दूसरा मेथड सर ये है कि यहां पर आपको दिया हुआ है सीपी, क्या दिया हुआ सर सीपी, और आपको निकालना सर एसपी, क्या निकालना सर एसपी, अगर ध्यान दीजिएगा सीपी से एसपी पर जाएंगे, किससे सीपी से एसपी पर, अगर आप सीपी से एसपी पर जाते हैं तो आपको क्या करना है, जो परसेंटेज दिया हुआ है अगर वह ध्यान दीजिएगा सीपी से एसपी जाते समय जो परसेंटेज दिया हुआ अगर वह लाभ होगा उस परसेंटेज को आप 100 में जोड़ दोगे, यहां पे 10% की लाभ बात हो रही है, क्या हुआ 100 में से प्लस 10 कर दिया, और इसको अंश में रखोगे बटे 100 रखोगे, वो कहां रखोगे आप हर में रखोगे, कहां रखोगे आप हर में रखोगे, आप कहां से जा रहे थे सर सीपी, सीपी कितना था सर आपका 420 रुपए, आप उसको रख लो, सीपी को पहले रखा फिर एसपी पे जा रहे हो, कितने परसेंटेज प्रॉफिट था 10% का, 100 प्लस 10 किया बटे आपने 100 कर दिया। अब जरा देखो इसको क्या लिख सकते हो आप, 420 गुणे 110 बटे 100 लिख सकते हो, ये कैंसिल आउट हो गया, 0 0 दो 0 कैंसिल, कितना आया सर पुनः अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा सर 462 रुपए, कितना आएगा सर 462। अगर सीपी से एसपी में जा रहे हो तो लाभ या हानि जो है ना, लाभ अगर होगा तो प्लस करोगे कहां अंश में, ठीक है, अगर मान लीजिए सर आप कह रहे हो सर सीपी से एसपी पे जा रहे हो, अगर मान लीजिए ऐसा सीपी और एसपी लिखा हुआ है, अगर हमको एसपी यहां पे जो विक्रय मूल्य दिया था ना, यहां पर मैं कह रहा हूं सर आपको विक्रय मूल्य दिया है, क्या दिया है सेलिंग प्राइस दिया हुआ, क्या दिया सर ये सेलिंग प्राइस दिया हुआ 420 रुपए, अब सेलिंग प्राइस से मुझे कॉस्ट प्राइस पे आना है तो क्या करोगे आप, सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस पे आ रहे हो तो आप लिखोगे सर पहले सेलिंग प्राइस इनटू, अब लिखो पहले आप 100 अपॉन प्रॉफिट हुआ था ना सर 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ था, अब आपको विक्रेता को कितने रुपए प्राप्त होंगे, यहां पे लाभ बेचना नहीं है, यहां पे कितने का खरीदा होगा, कितने का खरीदा हुआ 10% पर बेचा था तो उसका कॉस्ट प्राइस निकालना, अब एसपी लिखोगे आप बटे 100 प्लस 10 लिखोगे, अब 10% का लाभ हो रहा था ना, अब हर में लिखोगे, अब हर में लिखोगे, अंश में कब लिखोगे जब सीपी से एसपी पे जाओगे, हर में कब लिखोगे जब आपको क्या होगा आप एसपी से सीपी पर आओगे तब आप हर में लिखोगे, ठीक है ये बात समझ में आई। अगर मान लीजिए सर हानि हो जाती, क्या हो जाता सर हानि हो जाती, क्या हो जाता हानि हो जाती, अगर हानि हो रही होती लॉस हो रही, सीपी से अगर आप एसपी पे जा रहे हो अगर हानि हो रही है, सीपी से आप एसपी पे जा रहे हो अगर हानि हो रही है यहां पर क्या हो रहा है सर लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, आप क्या करोगे मान लीजिए 10% का ही लॉस हो रहा था, कितने का 10% का लॉस हो रहा था, इसका मतलब है आप सीपी से जा रहे हो किस पे एसपी पर, सीपी से एसपी पे जा रहे हो आपको 100 - 10/100 करना पड़ेगा, ठीक है 100 - 10/100 करना पड़ेगा, समझ आया सीपी से एसपी पे जा रहे हो, अगर एसपी से सीपी पर आते आप 10% की हानि होती आप क्या करते सर आप लिखते एसपी गुणे एसपी से सीपी पे आ रहे हो, ध्यान दीजिएगा एसपी से सीपी पे आने का मतलब नहीं समझ पाए यार, सीपी से आप एसपी पे जा रहे हो यानी सीपी दिया हुआ एसपी निकाल लो प्रॉफिट पे, अब आपको एसपी दिया है एसपी से आपको सीपी निकालना है यानी उल्टा आ रहे हो, उल्टा होगा तो सर क्या होगा आपका आप 100 ऊपर लिखोगे बटे 100 माइनस क्या करोगे आप 10, हानि हो रही थी ना आप ही करोगे, आपका यहां से क्या निकल के आएगा सर यहां से आपका सीपी निकल के आएगा और यहां पर क्या निकला होगा एसपी निकला होगा, ये सिंपल सी बात है जो आपको अप्लाई करनी होगी इन
अपकमिंग क्वेश्चंस, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को हल कर रहे हैं। ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये ऐसा यूनिवर्सल मेथड है कि हर एक क्वेश्चन को चुटकियों में, सेकंडों में हल करवाएगा, ठीक है। फ्रैक्शन तो छोड़िए, फ्रैक्शन होल के माना होगा, आप इसका कॉन्सेप्ट को समझिए। अब इस कॉन्सेप्ट से आप चुटकियों में क्वेश्चन को हल करेंगे, यह बेसिक भी है, समझ में आया आपको। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, हम लोग आपसे अब अगले वीडियो में मिलेंगे, ठीक है।